ऑस्ट्रेलिया में मई में होंगे चुनाव, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने किया ऐलान। निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.9 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई तीव्रता। पीएम मोदी आज गुजरात में उमिया माता मंदिर के स्थापना दिवस कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का गुवाहाटी दौरा, गुवाहाटी में 8 उत्तर पूर्वी राज्यों का क्षेत्रीय सम्मेलन। अयोध्या में भव्य तरीके से शुरू हुआ रामनवमी का पर्व, रामलला को लगेगा 50 व्यंजनों का भोग, लाइव प्रसारण भी होगा। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं यूपी बुलेटिन की। देश भर में आज रामनवमी मनाई जा रही है। चैत्र नवरात्र का शुभ पर्व 2 अप्रैल से शुरू हुआ था और अब आज ये पर्व समाप्त होने जा रहा है। रामनवमी का बहुत ही महत्व है क्योंकि इस दिन भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जाना जाता है। वह इस मौके पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत कई नेताओं ने रामनवमी की बधाइयां भी दी। राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भगवान राम ने हमें सदाचार, सहिष्णुता, दया और भाईचारे के मूल्य का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी बधाई देते हुए कहा, भगवान श्री राम की कृपा से हर किसी को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना का ग्राफ लगभग गिर जाने से देश भर में ऑफिस, स्कूल और कॉलेज तेजी से खुल गए हैं, लेकिन अब एक बार फिर से लोगों की टेंशन बढ़ने लगी है। दरअसल चीन और दूसरे देशों में कोरोना के एक्सी वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। इन सबके बीच भारत में इस वेरिएंट का दूसरा मरीज अब गुजरात में मिला है। इससे पहले मुंबई में गुरुवार को एक्सी वेरिएंट का एक मरीज मिला था। फिलहाल हर स्टेट में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट देश के अलग अलग हिस्सों में ओमिक्रॉन के सब लिंगेज मिल रहे हैं। हालांकि इस वेरिएंट के मिलने से अब तक कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की बात सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की इजाजत अब दे दी है। हालांकि सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सालाना फीस में 50% से ज्यादा बढ़ोतरी न की जाए। बता दें कि इससे पहले कोरोना के चलते फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी। अब राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए पत्र में बताया गया है कि कोविड-19 के कारण पैदा हुई समस्याओं और परेशानियों के कारण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था, जिसमें छात्र छात्राओं के अभिभावकों को रोजगार में दिक्कत आने लगी थी और स्कूलों में फीस जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। देश भर में आज से 18 प्लस एज ग्रुप वाले कोरोना का बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। बूस्टर डोज सभी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उपलब्ध होगा। इसके अलावा पहले और दूसरे डोज के लिए सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से चल रहे मुफ्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 प्लस एज ग्रुप के लिए बूस्टर डोज जारी रहेगा। साथ ही इसमें और तेजी भी लाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट वाराणसी की एमएलसी सीट बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गई है। इस सीट से चुनाव लड़ रहे पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल के समर्थन में वोट डालने के लिए केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे चंदौली पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने सदर ब्लॉक मुख्यालय पहुंचकर अपना मतदान किया और वाराणसी समेत प्रदेश की सभी सीटों पर जीत का दावा किया। वही शिवपाल यादव के भाजपा में शामिल होने पर भी बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव एक अच्छे और जिम्मेदार नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में
हमारी कुछ सीटों पर निर्विरोध शानदार जीत हुई है और शेष बची सारी सीटें जो है भाजपा मतदाताओं के आशीर्वाद से शानदार मतों से जीत रही है। अभी हम लोग इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की शानदार जीत के साथ साथ हाल में बिहार में भी राजग गठबंधन को बहुत शानदार जीत मिली है। आईपीएल 2022 के 17वें मैच में एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। चेन्नई ने हैदराबाद के सामने 155 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे विलियमसन की टीम ने 17.4 ओवर में हासिल कर लिया। ये तीन मैचों में हैदराबाद की पहली जीत है। माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का लगातार एक्शन जारी है, जहां रायबरेली पुलिस ने अवैध शराब माफिया आरोपी अमन जायसवाल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। वहीं अवैध रूप से अर्जित की गई 2,29,00,000 से अधिक की संपत्ति भी कुर्क की है। आपको बता दें कि डीएम के आदेश पर कार्रवाई हुई है। मिलेरिया थाना के अंतर्गत राही क्षेत्र का ये पूरा मामला। संबल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एमएलसी चुनाव में मतदान करने के बाद कहा कि वोट देना उनका अधिकार है और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। आगे बर्क ने योगी सरकार के खिलाफ बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूपी में मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है और वो योगी सरकार से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इस दौरान शफीकुर रहमान बर्क ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। वोट डालने आए हैं, क्या कहेंगे? वोट मेरा हक है, राइट है, मैंने उसको इस्तेमाल किया। एमएलसी चुनाव में क्या मानते हैं? चुनाव का ये तो रिजल्ट के ऊपर है, मैं क्या मानूं। अच्छा सांसद जी, संबल से समाजवादी पार्टी की जो ब्लॉक प्रमुख हैं सुषमा देवी, उन्होंने आज भाजपा को समर्थन किया है, भाजपा का चुनाव लड़ा रही हैं। ठीक है, उनकी राय है। सांसद जी, अभी अखिलेश यादव जी ने अभी आरोप लगाया था कि जो प्रधानों को सत्ताधारी दल के लोग धमका रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बयान को लेकर? अरे भाई, अगर धमका रहे हैं तो नहीं होना चाहिए, और न धमका रहे हैं तो प्रोपेगेंडा गलत है। तो मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दी वर्किंग, मतलब उनके कार्य संतुष्ट नहीं है। आपके मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं वो, नहीं कर रहे वो? नहीं कर रहे, पूरी समाजवादी काम नहीं कर रही मुसलमानों के लिए, बीजेपी के हाथ में, योगी के हाथ में। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योगी। तो इसका मतलब योगी जी यूपी में काम नहीं कर रहे हो? नहीं, यूपी में काम जो है वो अपना कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा यूपी में। नहीं हो रहा। खबर संबल से है, जहां असमोली क्षेत्र के निवासी काशीराम ई रिक्शा चालक को दबंगों ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद ई रिक्शा चालक बेहोश हो गया और मौके से दबंग रिक्शा चोरी करके भाग निकले। होश आने पर रिक्शा चालक ने इस पूरे मामले को लेकर थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और चोरों को अब गिरफ्तार भी कर लिया है। थाना असमोली की पुलिस के द्वारा आज दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मतीन और अमजद हैं। ये दोनों हजरतनगर गढ़ी के रहने वाले हैं। इनके पास से 3 अदद ई रिक्शा बरामद किए गए हैं और 2 चाकू बरामद किए गए हैं। ये दोनों गिरोह बनाकर जो ई रिक्शा चालक हैं, उनको कोल्ड ड्रिंक अथवा खाने की किसी चीज़ में जहरीला पदार्थ खिलाने के बाद उनको बेहोशी की हालत में छोड़कर उनका ई रिक्शा छीनने का काम करते थे। इनके द्वारा इस तरह की घटनाएं अन्य जिलों में भी कारित किए जाने की संभावना है, वहाँ उसकी भी जाँच पड़ताल की जा रही है। इनके गिरोह से संबंधित अन्य व्यक्तियों के बारे में भी जाँच पड़ताल की जा रही है। इन दोनों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। अलीगढ़ में आग का तांडव अब दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि खैर कोतवाली क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई,
भीषण आग की वजह से 1,000 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। लगभग 400 किसानों को आग लगने से भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने रोड पर जमकर हंगामा किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अत्तया पार्क नाम की मीट फैक्ट्री में भी भीषण आग लग गई। आग की वजह से यहां पर भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं लोधा थाना इलाके के मथुरा बाईपास के पास फैक्ट्री में भी आग लगी हुई है। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।